भवानी जी बोल रहे हैं, मैं पहले इनका जवाब दे दूं। जिस केस में मेरे घर पे सर्च करने ईडी आई, वो केस पेपर लीक से संबंधित था, बट उन्होंने मेरे से एक सवाल भी नहीं पूछा, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरे एक फोन के अलावा मेरे से कुछ भी जब्त नहीं। एक बात, दूसरी बात, मेरे बेटे के नाम से, जिसका नाम अविनाश है, जो अकाउंट्स ऑफिसर है, उसके नाम से सर्च वारंट था, बट उसके रहने के स्थान के अलावा उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम पूरे आपके परिवार के परमिशन की सर्च करेंगे। मैंने सहर्ष उनको अनुमति दी, उन्होंने पूरा सर्च किया, मेरे दोनों बेटों के रेजिडेंस को किया जो एक ही परिसर में है, मेरे रेजिडेंस को किया, मेरे जो पॉलिटिकल मेरा ऑफिस है उसका सर्च किया और मिला दो बेटे और एक बाप का, यानी मेरा मोबाइल और उनका दोनों बेटों का ईमेल पेन ड्राइव में ले। एक रुपया नहीं ले गए, कोई इलीगल दस्तावेज नहीं मिला। जिस कलाम इंस्टीट्यूट की ये लोग बात करके बार बार सवाल करते हैं, उस कलाम इंस्टीट्यूट से मेरा, मेरे बेटे का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का कोई लेना देना नहीं, कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिला, किसी तरीके का साक्षी उनको नहीं मिला। लेकिन बात एक ही है कि गोविंद डोटासरा, एक अध्यापक का बेटा, किसान का बेटा, बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के बोलता है, आरएसएस के खिलाफ मुखर होकर बोलता है, राजेंद्र जी राठौड़, सुभाष जी मैरिया, किरोड़ीलाल जी मीना 2-2.5 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, और इसलिए 2-2.5 साल के पुराने प्रकरण में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद में नॉमिनेशन के 7-8 दिन पहले जिस प्रकार का वातावरण बना करके मेरे रिश्तेदार के यहाँ, मेरे सरकारी बंगले पे, मेरे यहाँ पर सर्च की गई है, मैं समझता हूँ कि ईडी को तुरंत ये बताना चाहिए कि मेरे, मेरी भांजी और मेरे दोनों परिसर जो जयपुर का आवास और सीकर के आवास में, उनको क्या मिला। निश्चित रूप से ये बात अगर वो बताएंगे तो समझ में आएगी। 2.5 साल से जो नेता दिल्ली में जाकर के अपने आलाकमान के नाक रगड़ रगड़ के ये कह रहे हैं कि डोटासरा को रोको, डोटासरा को बदनाम करो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम करो, कांग्रेस पार्टी को क्रेश करो, हम वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हमें जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। वो हथकंडे जिनको मैं संज्ञा देता हूँ, वो अघोषित आपातकाल की संज्ञा देता हूँ, जिस तरीके से एक माहौल बना करके केवल और केवल ये साजिश रची जा रही है कि ये चुनाव में काम नहीं कर सके, इनका ध्यान भटके, ये इसी काम में इधर उधर में लग जाएं, और सारे के सारे भय के वातावरण में इनके जो आसपास इनके कार्यकर्ता हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवारजन हैं, वो इनसे दूरी बना लें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इनको कोई भी करना था तो 2.5 साल के लगभग हो गए इस प्रकरण में, 2.5 साल में गोविंद डोटासरा यहीं था, इसका बेटा यहीं था, ये परिसर यहीं थे, तो ये आ जाते। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ, गोविंद डोटासरा कांग्रेस वो सच्चा सिपाही है, जो राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि डरो मत, उस पर विश्वास करता है, एक किसान का बेटा है, एक अध्यापक का बेटा है, ईमानदारी के साथ में पार्टी के साथ खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा, इस शरीर में जब तक जान है न डरना है न पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। मैंने कल भी कहा था
कि मेरा कोई भी ऐसा एक्ट नहीं मिलेगा जिंदगी में जिससे मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता को नीचा देखना पड़े, मेरे परिवार को नीचा देखना पड़े या मेरी पार्टी को नीचा देखना पड़े। इन चीजों से कोई घबराने वाले नहीं है। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो 10 गारंटियां हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले दी हैं, 7 गारंटियां एक आज और दी हैं, इन 17 गारंटियों को वो एक, हम 17 गारंटी दे रहे हैं, वो एक गारंटी दे रहे हैं कि गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस का कोई भी नेता अगर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, कांग्रेस का प्रचार करेगा, कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करके लोगों को राहत देगा, तो हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई गारंटी से भेज देंगे। ये गारंटी मैं समझता हूँ बीजेपी हमारी 17 गारंटियों के खिलाफ दे रही है। ये अघोषित आपातकाल है, हम इसकी निंदा करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मीडिया के कई बंधुओं का सवाल आता है, मैं सुनता रहता हूँ, वो ये कहते हैं कि जांच होने में दिक्कत क्या है। मैं स्वागत करूंगा, मैं 2.5 साल से स्वागत कर रहा था कि मैं शिक्षा मंत्री जिस वक्त था, जो भी पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप शहर जांच कीजिए, ये मुख्यमंत्री जी बैठे, मैंने इनको 5 बार आग्रह किया था कि आप इसको और तेज कीजिए। मेरी बात के ऊपर उन्होंने पूरा जोर दे करके एसओजी को, डीजी को और तमाम लोगों को किया, और उसी का परिणाम था कि लोग पकड़े भी गए, कानून भी कड़े बने। देश में किसी भी जगह इस तरीके का कड़ा कानून पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, जबकि पूरे देश में हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं। इनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है, इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इनको जो कांग्रेस का नेता बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ बोलेगा, उसको बिना कोई एविडेंस जेल में डालने के लिए, उसको हैरान परेशान करने के लिए इनका टास्क फोर्स बना हुआ है। उस टास्क फोर्स का ये दुरुपयोग कर रहे हैं मैं समझता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, न डरेंगे न घबराएंगे, कांग्रेस हमारी माँ है, उसको जिताएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आजीवन कारावास की सजा जिस कानून में दे दी। और एक बात बताओ मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब मेरे मित्र को, 2.5 साल से गोविंद डोटासरा यही है, परिवार के लोग यही हैं, तो ये आनन फानन में नॉमिनेशन के 3 दिन पहले क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत हमले करता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ सुभाष जी मैरिया, जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब के अभिन्न मित्र हैं, वो चुनाव लड़े, वो आज 2 महीने से ये बात कह रहे हैं, उनके वीडियोज आपके पास में है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि चुनाव को ऐसा रंगीन बना दूंगा कि गोविंद डोटासरा चुनाव लड़ना भूल जाएगा। मैं उन सुभाष जी को, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को और बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर जेल में भी डाल दो गोविंद डोटासरा की जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा के साथ में है, जेल से भी जीत के आऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, ये कायर लोग हैं, ये इस तरीके से वार करना जानते हैं, जनता का दिल जीतना नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, यही काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूं।